हम सभी यहाँ पर इसी दिन को मनाने के लिए हैं। आज हमारे विद्यालय का स्थापना दिवस है। आज के दिन 1963 को केरी का स्थापना हुआ था और उस दिन से ही यह विद्यालय हमारे ज्ञान का स्रोत है और आगे भी बना रहेगा। केवी हमारे भारत के हर राज्य में स्थित है। भारत के साथ यह और भी कई देशों में स्थित है। तो आज के दिन की पहली प्रस्तुति देने जा रही है आस्था प्रिया। तो तालियों से स्वागत करिए आस्था प्रिया का, जो आपके समक्ष एक हिंदी सीख लेके प्रस्तुत है। सुप्रभात सभी को। मैं आस्था, कक्षा 8वीं की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष केंद्रीय विद्यालय की स्थापना दिवस पर कुछ कहने जा रही हूँ। केंद्रीय विद्यालय भारत में केंद्रीय सरकारी स्कूलों की एक प्रणाली है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित की गई थी। इसमें भारत में 1252 और विदेश में 3 स्कूल शामिल हैं। यह स्कूलों की दुनिया की सबसे बड़ी श्रृंखला में से एक है। यह प्रणाली 1963 में सेंट्रल स्कूल के नाम से अस्तित्व में आई। बाद में इसका नाम बदलकर केंद्रीय विद्यालय कर दिया गया। सभी स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के संबद्ध है। इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा सेवा कर्मियों के बच्चों को शिक्षित करना है, जिन्हें अक्सर दूरस्थ स्थानों पर तैनात किया जाता है। सेना द्वारा अपने स्वयं के आर्मी पब्लिक स्कूल शुरू करने के साथ सेवा को सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विस्तारित किया गया था। पूरे भारत में इन स्कूलों द्वारा एक सामान्य पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है। एक सामान्य पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली प्रदान करके केंद्रीय विद्यालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा का नुकसान का सामना ना करना पड़े, जब उनके माता पिता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष हमेशा भारत सरकार के शिक्षा मंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष शिक्षा राज्य मंत्री। विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास और स्कूल परिसर और व्यवस्था के रखरखाव के लिए कई समितियां भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण VNC है, जो सभी समितियों का प्रमुख है। अंत में आप सभी को केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय।